अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं सैयद मुसव्वर अली जंजानी। तमाम नए आने वाले लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफीद हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाह जंजानी जंजानी टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम टुडे कबूली से दुआ का वक्त, एक लम्हा 24 घंटे में ऐसा भी आता है कि जब दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। ये फिक्रा खल्के खुदा की ज़ुबान में पूरी दुनिया में ये गूंजता है। इसका किसी मज़हब, किसी रंग, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। सब अल्लाह के बंदे हैं और जब परेशान होते हैं तो परवरदिगार से गिड़गिड़ा के इल्तिजा करके दुआ करते हैं और वो हमारी इशारा के करीब है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि दुआ करो, मैं दुआ मुस्तजाब करूँगा। हम फरमाने खुदा के तहत, हुक्म रसूल के तहत, हुक्म आइमा मासूम के तहत परवरदिगार से दुआ करने की हम जसारत करते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि दुआ के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए नमाज पढ़ के दुआ की जाए, तो क्या ही बात है, हम सब करते हैं। और पंजगन नमाज के बाद दुआएं तो कबूल होती हैं, लेकिन एक नमाज ऐसी है जिसमें दुआ की जाए तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये शख्स जो मांग रहे थे कबर के मांगे, इसको अता कर दो। और वो नमाज नमाज शब है, गरां गुजरती है आधी रात को उठना, लेकिन अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक लोग उठते हैं और अपने नफ्स पे काबू पाते हैं और नमाज शब पढ़ते हैं। यूँ तो ये नमाज 11 रकत है, लेकिन आप चाहें तो एक रकत भी पढ़ सकते हैं फजर से पहले। बहरहाल अल्लाह आपकी तौफीकात में, हम सब की तौफीकात में इजाफा करे। और जो लोग मुसलसल नमाज शब पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़त अता कर देता है कि वो 40 अफराद की, अपने करीबी अज़ीज़ो क़ारिब की, अपने दोस्तों की परवरदिगार से बख्शिश करवा सके, उन्हें जन्नत दिलवा सके। क्या खूबसूरत रहमत है खुदा ताला की। बस अल्लाह आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। और गुज़श्ता दिनों सैयद उश्शुहदा इमाम अली मुकाम मौला हुसैन के शोक के दिन गुजरे, गम के दिन गुजरे, और आखिरी वक्त मौला हुसैन ने, मौला हुसैन की क्या अज़मत है कि फरमाने रसूल का हसन और हुसैन शबाबा ने अहले जन्ना, हुसैन बादशाह हैं, लेकिन हुसैन ने भी आखिरी वक्त अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बिनते अली से, बिनते फातिमा से ये गुजारिश की कि बहन अपनी नमाज शब, अपनी शब की नमाजों में मुझे दुआ में याद रखना। जब मौला हुसैन की ये ख्वाहिश इल्तिजा है तो फिर हम उस पर अमल करें तो क्या ही खूबसूरत बात है। हमारी दीनी दुनियावी मुश्किलात, ख़ासतौर पर दुनियावी मुश्किलात हमारी हल हो जाएँ। आज कल फी ज़माना लोग बहुत परेशान हैं और हर शख्स को कोई ना कोई अजीब व गरीब किस्म की परेशानी लाक है, ख़ास तौर पर महंगाई, महंगाई और बेरोज़गारी ने इस मुल्क में और पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर करोना ने सबको मुतासर किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक दुनिया की रौनकें बहाल। हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, चूँकि तमीदी गुफ्तगू में बस आपकी खिदमत करते करते कुछ जज्बात आ जाते हैं। आज 22 सितंबर है और बुध का दिन है, और आज जो मैंने 3 वक्त निकालने की सआदत हासिल की है, पहला जो वक्त है ये 2:14 से लेके 2:46, दूसरा वक्त है 12:12 से लेके 12:28, और तीसरा वक्त है 18:21 से लेके 18:51। 12 के बाद जनाब हम 1 को 13, 14, 15 और रात के 12 को हम 24 पे ले जाते हैं। ये चूँकि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, और बल्कि रेलवे के भी स्टैंडर्ड टाइम होते हैं और मुल्कों में भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप इसको सीख लें और आसानी से इस वक्त का तय कर लें। और ये 3 जो मैंने कबूलियत दुआ के वक्त निकाले हैं, ये रूहानी तौर पे और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से हैं। आप दुआ करें अपनी दुआओं की यकीनन कबूलियत के लिए, अव्वल आखिर 11 जन मरतबा दुरूशी पढ़ें, यकीनन इस वक्त की ये दुआएँ बारगाह खुदावंदी में मुस्तजाब होंगी। पहला वक्त नमाज शब के करीब, दूसरा अज़ान ज़ुहर और तीसरा अज़ान मगरब के करीब का वक्त है। जब आपकी दुआ, कोई भी दुआ आपकी हो, बड़ी हो, छोटी हो, मुस्तजाब हो जाए, कबूल हो जाए और आप खुश हों, उस वक्त मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी जो जंजानी टीवी की
पूरी टीम है जो सुबह शाम आपकी खिदमत में मसरूफ अमल रहती है, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतने, शाह जन जाने को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी काले ग्रे प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।